Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss chapter number 2, exercise 2.4, question number 1. Let's start question number 1. So question number 1 hai, solve the equations. Hame equations given hai. Humne solve karke unki values ko find out karna hai. Unke jo variables hain unki values find out karni hai. फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब इनको सॉल्व आउट करके हमने x और y की वैल्यूज लेके आनी है. स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x minus y is equal to 3. ये equation number 1 है. X square plus y square is equal to 2. ये equation number 2 है. अब किसी एक equation को use करके हमने x या y की value लेके आनी है. Then दूसरी equation में put करके हम easily x variable और y variable की values find out कर पाएंगे. So start करते हैं. From equation 1 we have equation number 1 से हम x की value लेंगे, then put कर देंगे equation number 2 में. इजीली हम सॉल्व आउट कर पाएंगे. सो 2x हैज इट इज माइनस y इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1. सो अब हमें हम जस्ट x को एक साइड पे लेके आएंगे, y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं. सो हम इसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3 प्लस y. y को राइट हैंड पे मूव करवा लिया. So, ये आ गया. अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं. सो x इसी साइड पे रहने दें, 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की. अब इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में. सो नाउ put x या value of x in equation number 2. So इसमें value put करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास equation number 2 है, इसमें put करेंगे ये value. So x में वैल्यू पुट करेंगे x की तो आ जाएगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर हैज इट इज रहना है इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब यहां पे देखें ये होल स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हैज इट इज रहने दें. फार्मूला यहां पे अप्लाई करें, 3 प्लस y होल स्क्वायर है, इट्स मीन यहां पे फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर यहां पे 3 है, b स्क्वायर यहां पे y है प्लस 2 a 3 y b आ जाते हैं प्लस y स्क्वायर हैज इट इज इक्वल टू 2. यहां पे देखें इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4. अब इस 4 को कैंसिल करना है तो हर एक टर्म के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दें. सो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर हैज इट इज प्लस 3 इनटू 2 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2
अब फोर को मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्न के साथ। सो यहां पे फोर फोर से कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 9 + y² + 6y + 4y² = 8। सो वाई स्क्वायर यहां पे भी वाई स्क्वायर है, 1y² + 4y² = 5y² + 6y as it is + 9 = 8। अब ये 8 राइट हैंड साइड पे है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा लें तो ये आ जाएगा 5y² + 6y + 9 - 8 = 0। सो 5y² + 6y + 1 = 0। अब यहां पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 5y² को 1 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 5y². अब दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 5y² आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनकी कीजिए तो वो 6y आए। तो वो हैं दो नंबर्स, 5y और 1y। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5y आना है, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 6y आएगा। 5y² + 5y + 1y + 1 = 0। 5y कॉमन लें आ जाएगा y + 1 + 1 कॉमन लें आ जाएगा y + 1 = 0। सो अब यहां से कॉमन ले लें, एक y+1 है और दूसरा क्या है, 5y + 1 = 0। y+1 = 0 एंड 5y + 1 = 0। y = लेफ्ट हैंड साइड पे 1 को मूव करवाएं -1, एंड 5y = -1। 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y = -1/5। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं y की, एक है y = -1, एक वैल्यू आ गई है y = -1/5। ये दो वैल्यूज आ गई हैं y की। अब हमें x की, x वेरिएबल की भी वैल्यू चाहिए। सो अब क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करते हैं। सो मैं पुट करने लगा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इसमें पुट करें तो आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 2 × x एज इट इज रन है, माइनस एज इट इज y की वैल्यू आई है -1 = 3। 2x - (-) + 1 = 3। So, ये आ जाएगा 2x = 1 है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो आ जाएगा 3 - 1। सो 2x = 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, x = 1। एक तो वैल्यू ये आ गई x की। अब y = -1/5 भी पुट करना है। अब ये राइट डाउन कर लें, मैं रेज करके यहां पे y की सेकंड वैल्यू पुट करूंगा, x की सेकंड वैल्यू लेके आऊंगा। सो अब y की सेकंड वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में।
टू इंटू एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज, वाई की वैल्यू आ गई है माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू थ्री एज इट इज. सो टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाई फाइव एज इट इज इक्वल टू थ्री. टू एक्स एज इट इज वन डिवाइडेड बाई फाइव है, आप इसे राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे आ जाएगा थ्री इंटू थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव. अब ये आ जाएगा 2x is equal to 3 into 5, 15 minus 1, 14 divided by 5. 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा. x is equal to 14 divided by 5 into 2. So अब 2 को कैंसिल करें 14 से तो आ जाएगा 7. So, x की वैल्यू आ गई है 7 डिवाइडेड बाय 5. एक वैल्यू x की ये आ गई, एक ये आ गई, एक वैल्यू y की ये आ गई है और एक ये आ गई है. सो अब सॉल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आई है x की 1, y की माइनस 1. x की सेकेंड वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 5 और y की सेकेंड वैल्यू है माइनस 1 डिवाइड बाई 5. सो ये आपका सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 1 का. सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. जस्ट हमने दो इक्वेशंस हमें गिवन थी, फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू लेके आए थे, उसको हमने पुट कर दिया था इक्वेशन नंबर 2 में. देन After solution, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं y की. सो दोनों वैल्यूज को किसी भी आप इक्वेशन में पुट करते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई हैं. सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2. सो ये हमें अगेन दो इक्वेशंस गिवन है और दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है. सो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है. सो अब From equation 1, we have, अब equation number 1 से किसी एक variable को हमने left hand side पे ही रखना है, then उसको जो value आएगी वो put कर देनी है second equation में. हम easily किसी भी variable की value find out कर पाएंगे. सो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है. सो 2y को राइट हैंड साइड पे मूव करवाएं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2y. सो आप इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. सो अब आपने इस x की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में. सो नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करें इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी माइनस 2y होल स्क्वायर हैज इट इज प्लस 4y स्क्वायर हैज इट इज इक्वल टू 32. माइनस 2y स्क्वायर का स्क्वायर अगर लिया जाए माइनस 2y का तो आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32. सो 4 प्लस 4 8y square is equal to 32.
अब कैंसिल आउट करें 8 को 32 से, y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड्स, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बोथ साइड पे रूट ले लें। सो हम देखें y स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इट्स मीन y की एक वैल्यू प्लस 2 है, एक वैल्यू माइनस 2 है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी रूट अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आए और उसका स्क्वायर आ जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए, तो वहां पे प्लस माइनस दोनों साइन यूज होते हैं, ठीक है। सो आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, सो ये याद रखिएगा। अब y की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, एक है 2 एक है माइनस 2। अब y की वैल्यूज को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 में पुट कर लेंगे 2 में, सो हम 1 में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो y की वैल्यू पुट करें तो x हैज इट इज प्लस 2, y की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 4, सो एक x की वैल्यू ये आ गई। अब माइनस 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 4 है राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो आ जाएगा प्लस 4, सो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई है y की। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू माइनस 4 और y की वैल्यू थी 2 एंड प्लस 4 और y की वैल्यू थी माइनस 2, सो ये सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 का। सो सिंपली फर्स्ट टू इक्वेशन हमें गिवन थी, देन फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसी एक वेरिएबल को एक साइड पे रख लेके आना था, x को एक साइड पे लिया, y को दूसरी साइड पे, देन जो x की वैल्यू आ गई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, देन हमारे पास y की वैल्यूज डायरेक्ट आ गई थी, y की वैल्यू आई तो हमने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल x की दो वैल्यूज आ गई हैं। सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन दो इक्वेशंस हमें गिवन है। सो इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8, सेकेंड है x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y, ये सेकेंड इक्वेशन है। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टू एक्स हैज इट इज रन अगेन,
टू एक्स इसी साइड पे, माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पे मूव करवाएं तो याद आएगा माइनस एट प्लस वाई, टू को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, सो एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस एट प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू। अब ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई है, अब इसको पुट करें इक्वेशन नंबर टू में। सो नाउ पुट इक्वेशन नंबर थ्री और वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर टू, पुट कर दें। सो ये आ जाएगा माइनस एट प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर प्लस फोर एज इट इज, देन अगेन एक्स है यहां पे माइनस एट प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वाई। अब देखें ये आ जाएगा माइनस एट प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर प्लस फोर एज इट इज, सो माइनस एट प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू y। अब यहां पे देखें यहां पे हमारे पास एलसीएम 4 है, सो हर एक टर्म के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4 को मल्टीप्लाई करें सो ये आ जाएगा माइनस एट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 into a है minus 8 b है y। Plus 4 has it is into minus 8 plus y is equal to y। यहां पे divided by 2 है, यहां पे divided by 4 है। अब 4 को सॉरी यहां पे 4 है, अब 4 को मल्टीप्लाई करें और एक टर्म के साथ यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी मल्टीप्लाई करें और यहां पे भी, सो 2 को कैंसिल करें 4 से तो आ जाएगा जस्ट 2, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, सो यहां पे आ जाएगा माइनस एट का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर हैज इट इज प्लस माइनस माइनस 16 वाई एट इंटू माइनस एट प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाई। 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू 8 64 एंड प्लस इंटू प्लस प्लस 8 वाई, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कराएं आएगा माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0। प्लस 64 और माइनस 64 कैंसिल आउट हो गए, देन हमारे पास वैल्यू रह गई है वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 8 वाई माइनस 4 वाई, सो माइनस 16 वाई हैज इट इज प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 4 वाई आ जाएगा। सो
इससे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस माइनस 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 12y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें सो ये आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 12 माइनस 12 है राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो y इज इक्वल टू प्लस 12 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, एक y की वैल्यू है 0, दूसरी वैल्यू है 12। दो वैल्यूज y की हमारे पास आ गई हैं। अब हमने x की वैल्यूज लेके आनी है। सो इन्हीं y की वैल्यूज को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ पुट द वैल्यू of y in equation number 1, then we get 2 into x as it is minus, यहां पे minus y की value है 0 is equal to minus 8। So, ये आ जाएगा 2x 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8। 2 को कैंसिल करें 2 4 जा 8, सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। एक वैल्यू x की हमारे पास आ गई है दैट इज माइनस 4। अब अगेन y की वैल्यू 12 इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें सो ये आ जाएगा 2x as it is minus into 12 is equal to minus 8। So ये आ जाएगा 2x minus 12 है तो right hand side पे लेके जाएं आ जाएगा plus 12 minus 8 plus 12। So 2x is equal to 4। 2 को cancel करें 4 से तो x की value आ जाएगी 2। So x की value आ गई 2। सो हमने फाइनली दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो सॉल्यूशन सेट इसका लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू x की हमारे पास आई है माइनस 4 और y की 0, देन 2y की 12। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस 4 0 एंड 2 12। सो ये क्वेश्चन था, हमने सॉल्व आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगेन हमें दो इक्वेशंस गिवन है। सो सो इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहें। सो नाउ from equation 1 we have equation number 1 से किसी एक variable की हम value लेके आएंगे। so 2x plus y is equal to 4 equation है, so y को इधर ही रहने दें, 2x को right hand side में move करें आ जाएगा 4 minus 2x। so ये हमारे पास equation number 3 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो y की वैल्यू है 4 माइनस 2x, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो नाउ पुट द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट
एक्स स्क्वायर तो हैज इट इज रहना है, माइनस टू एक्स भी हैज इट इज, प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री. सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है. सो यहां पे आ जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा फोर स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए क्या है फोर बी क्या है टू एक्स इज इक्वल टू थ्री हैज इट इज. अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इंटू फोर सिक्सटीन प्लस टू इंटू टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर एट एट इंटू टू सिक्सटीन. सो माइनस सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू थ्री है. इसे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाना है, ये आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे वन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर. अब एक्स को हमने देखना है माइनस टू एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू माइनस एटीन एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. सो अब हम यहां पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करने जा रहे हैं. अब देखें यहां पे है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यहां पे है थ्री थर्ड सॉरी थर्टीन. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सिक्सटी फाइव एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो अब हमने दो ऐसे नंबर लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें सिक्सटी फाइव एक्स स्क्वायर आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन की करें तो माइनस एटीन आए. सो ये तो बहुत सिंपल है, दोनों फैक्टर आपके पास पड़े हैं फाइव और थर्टीन. सो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो. सो ये दो फैक्टर हैं माइनस फाइव एक्स माइनस थर्टीन एक्स, इन दोनों का अगर सम लिया जाए तो आता है माइनस एटीन एक्स, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो सिक्सटी फाइव एक्स स्क्वायर ही आता है. सो हम इसे यहां से कॉमन लेंगे फाइव एक्स को, फाइव एक्स कॉमन लिया आ गया एक्स माइनस वन माइनस थर्टीन कॉमन लिया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो अब यहां पे देखें हम लिख सकते हैं फाइव एक्स माइनस थर्टीन इंटू इन इक्वेशन नंबर वन. सो इक्वेशन नंबर वन में एक्स की वैल्यूज को पुट करें जो एक्स की वैल्यूज हमारे पास आई हैं. सो इक्वेशन वन है टू इंटू एक्स की वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू है एक्स वन पुट करते हैं. सो वन प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू फोर, टू इंटू वन टू प्लस वाई इज इक्वल टू फोर. टू को राइट हैंड साइड पे मूव करवाएं तो टू इज इक्वल टू फोर माइनस टू, वाई इज इक्वल टू फोर माइनस टू. सो वाई इज इक्वल टू टू, एक वैल्यू हमारे पास वाई की ये आ गई है. अब सेकेंड वैल्यू हमने वाई की लेके आनी है. अगेन जो हमारे पास इक्वेशन है टू इंटू एक्स की जगह हम अब पुट करने जा रहे हैं थर्टीन डिवाइड बाय फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टीन. सो थर्टीन को टू से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाय फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू फोर. अब 26 डिवाइड बाय 5 को राइट हैंड साइड पे मूव करवाएं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 26 डिवाइड बाय 5. सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 माइनस 26 डिवाइड बाय 5.
y की वैल्यू आ जाएगी -6 डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड जो वैल्यू है y की वो हमारे पास आ गई है -6 डिवाइडेड बाय 5। सो सॉल्यूशन सेट हम इसका लिख सकते हैं 1 and 2 और 13 डिवाइड बाय 5 एंड -6 डिवाइड बाय 5। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का। सो ये आप राइट डाउन कर लें। सो स्टूडेंट हमने इस एक्सरसाइज इस लेक्चर नंबर 24 में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 2.6 के डिस्कस किए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व आउट करेंगे और एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। सो लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नया लेक्चर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप इसे रिवॉच कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह निगहबान।